खाचरौद नगर पालिका के एक वर्ष पूर्ण करोड़ों के कार्यो की सौगात अध्यक्ष भरावा ने दी जानकारी। खाचरौद नगर पालिका के एक वर्ष पूर्ण होने पर खाचरौद नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद भरावा ने हमारे चैनल से बात कर जानकारी देते हुए बताया कि हमारी नगर पालिका ने एक वर्ष कार्यकाल में खाचरौद को करोड़ों की सौगात दी। सड़कें, पानी और गार्डन बनवाए और हमारे विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के प्रयासों से ये सब संभव हो सका। अभी तक कितने करोड़ों का काम हुआ नगर में? अभी तक हमारे द्वारा खाचरौद के निर्माण कार्य की बात करें तो 5 करोड़ का हमने काम कर चुके हैं और अभी हमारे पास 25 करोड़ की योजना हमारे पास लंबित है। मैं आपको केवल पता देना चाहता हूँ, 9 करोड़ की पेयजल योजना हमने शासन से मंजूर कर ली, उसके टेंडर भी हो चुके हैं, वो बहुत जल्द हम धरातल पे लाएंगे और अगर कोशिश हुई तो हम प्रतिदिन जो पानी दे रहे हैं उसको हम सुबह शाम भी पानी देने का प्रयास करने का कोशिश करेंगे। स्कूली शिक्षा के लिए कुछ करा आपने अध्यक्ष जी? स्कूली शिक्षा हमारे नगर पालिका के अंतर्गत केवल निरीक्षण का रहता है, शासन से पैसा आता तो हम उसके लिए भी सुविधाओं के साथ साथ ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार जो स्वच्छ वातावरण के लिए उद्यान की गार्डन की आवश्यकता होती है, उस प्रकार जो आपने अपने नगर पालिका गार्डन को भी स्वच्छ बनाने का प्रयास किया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको केवल बता देना चाहता हूँ, खाचरौद में मात्र एक बगीचा था नगर पालिका के पीछे, वो पूरा ध्वस्त हो चुका था, एक वीरान टाइप हो चुका था, उसको हमने सर्वप्रथम आते ही उसका कायाकल्प किया और आज हमारे नगर के सारे नागरिक उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसके अंदर हमने एक ओपन जिम भी, जो सीनियर सिटीजन रहते हैं उनके लिए भी ओपन जिम लगाई, उसका भी लाभ हमारी खाचरौद जनता माताएं बहनों भी ले रही है। उसके साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि ये तो बगीचा एक ही है, हमने नीलकंठ लोक महादेव मंदिर के वहाँ एक बगीचा बनाया है, हमने खाचरौद का नगर पालिका के बाहर जो है उसके बाहर ही बगीचा हमने बनाया है, और भी एक हाउसिंग बोर्ड के अंदर बगीचा है, उसका भी हमारी तैयारी है, उसको बहुत जल्दी विकसित एक बगीचा और बनाने का काम है। जिस प्रकार विकास होता है, विकास का कहीं ना कहीं श्रेय किसी के द्वारा किया जाता है, आप इसको एक साल जो बेमिसाल गुजरे हैं, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? श्रेय तो हमारे सारे परिषद को और साथ में हमारे आदरणीय विधायक दिलीप सिंह गुर्जर को है, जो हमारे लिए लगातार भोपाल जाते हैं लड़ कर, हमारा पूरा कंधे से कंधा मिलाकर विकास की गंगा बहाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारा एक और सपना विधायक जी को, हमारा जो सपना है, हमने एक जनता से वादा किया, जब हम चुनाव जीते थे सर्वप्रथम हम नीलकंठ महादेव मंदिर गए थे, वहाँ पर चरण वंदन कर देव दिवाली सर्वप्रथम हमने वहाँ मनाई थी। उसके बाद में हमने एक सपना देखा था नीलकंठ लोक, जिस प्रकार से उज्जैन महाकाल लोक है उसी प्रकार से हमने 5 करोड़ की योजना शासन को प्रेषित की है। हम निश्चित तौर से आपको बता देना चाहते हैं कि नीलकंठ लोक हम अभी योजना भेज दी गई है, होगा अगर स्वीकृत तो हमारी किस्मत तेज हुई स्वीकृत हो जाएगी, और नहीं हुई तो हमारे कमलनाथ जी की सरकार आती है तो हम वादा करते हैं कि वो नीलकंठ लोक भी हम निश्चित बनाएंगे। चलिए धन्यवाद। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।